आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 की हार के बाद टीम इंडिया अपने पहले वेस्टइंडीज दौरे पर है, जिसे कप्तान कोहली ने टीम में शामिल किए गए युवाओं के लिए सुनहरा मौका बताते हुए कहा कि वो मैदान में आए, खुद को पर्याप्त समय दें और अपने नाम का डंका पूरे क्रिकेट जगत में बजवाएं। कुछ इसी तरह की बात टीम में MS धोनी की पदवी पर खड़े युवा बल्लेबाज ऋषभ पंत के लिए भी कोहली ने दौरे की शुरुआत से पहले कही थी। कोहली ने कहा था कि पंत जैसे युवा खिलाड़ियों के लिए ये सुनहरा मौका है, जिसमें वो खुद को साबित कर दुनिया को अपना दमखम दिखा सकते हैं। मगर ऋषभ पंत इस खेल को काफी हल्के में ले रहे हैं और लगातार एक के बाद एक गलतियां करते जा रहे हैं। दरअसल आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 की सेमीफाइनल मैच में गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलकर अपने विकेट फेंकने वाले ऋषभ पंत कई क्रिकेट पंडितों और दिग्गजों के निशाने पर थे। सभी का ये मानना था कि समय के साथ युवा बल्लेबाज सीखेगा और निखर कर सामने आएगा, मगर ऋषभ पंत लापरवाही की पटरी पर सवार है और उतरने का नाम नहीं ले रहे हैं। वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले T20 में 96 रनों के छोटे से चेज में टीम इंडिया के 2 विकेट जल्दी गिर गए, जिसके बाद मैदान में आए ऋषभ पंत को टीम की जीत के लिए सिर्फ कप्तान कोहली का साथ निभाना था, लेकिन पंत से वो भी ना हो सका। उन्होंने आते ही पहली गेंद को हवा में उड़ाना चाहा, जिसके चलते बाउंड्री पर खड़े फील्डर को कैच देकर वो शून्य पर पवेलियन चल दिए। ऐसे में नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े कप्तान कोहली एक बार फिर उनकी इस तरह की बेपरवाह बल्लेबाजी से निराश दिखे। ऐसे में सवाल उठता है कि पंत आखिर कब तक ऐसे खेलते रहेंगे। हालांकि पंत कप्तान कोहली समेत टीम इंडिया के मैनेजमेंट के चहेते बने हुए हैं, जिस पर कोहली ने कहा पंत को ये संज्ञान में रखना चाहिए कि टीम इंडिया के चयनकर्ताओं ने उन्हें धोनी के बाद तीनों फॉर्मेट में टीम इंडिया के अगले विकेट कीपर के तौर पर चुना है, जिसका उन्हें फायदा उठाना चाहिए, न कि गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलकर टीम को बीच मझधार में छोड़ देना चाहिए। ऐसे में हम उम्मीद करते हैं कि जब टीम इंडिया का वेस्ट इंडीज दौरा खत्म हो, तब तक पंत जरूर अपनी करिश्माई बल्लेबाजी से फैंस समेत टीम मैनेजमेंट का भरोसा जीत चुके हों, नहीं तो ये दौरा उनके करियर को काफी नुकसान भी पहुंचा सकता है।